हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप naukri.com पर बूलियन सर्च कैसे करें। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको naukri.com के इस पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आकर आपको जैसे यहाँ पे एनी कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स और एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्न बूलियन ऑन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही टर्न बूलियन ऑन का ऑप्शन क्लिक करेंगे, वो तीन ऑप्शन चले जाएंगे और एक ये कीवर्ड्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये कीवर्ड्स का ऑप्शन है और यहाँ पे आप अपनी बूलियन सर्च यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं जो आप naukri.com में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का कैसा होता है कि कोई भी दो कीवर्ड्स के बीच में आप एंड ऑपरेटर डालेंगे तो दोनों कीवर्ड्स जब रेज्यूम में होंगे तभी वो रेज्यूम आपको naukri.com शो करेगा, वरना नहीं शो करेगा। फिर उसके बाद होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का कैसा होता है कि किसी भी दो कीवर्ड्स के बीच में आप जब और ऑपरेटर डालेंगे तो कोई भी रेज्यूम जिसमें कोई भी एक कीवर्ड होगा, दोनों कीवर्ड जो आपने डालेंगे उनमें से कोई भी एक कीवर्ड होगा वो रेज्यूम ओपन होगा। मतलब दोनों भी होंगे तो भी ओपन होगा और कोई दोनों में से एक होगा तो भी ओपन होगा। फिर उसके बाद नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का कैसा होगा, किसी कीवर्ड के पीछे आप जब नॉट डालेंगे तो वो वाला कीवर्ड अगर उस रेज्यूम में होगा तो वो वाला रेज्यूम ओपन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। सबसे पहले एंड का एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। अकाउंट्स एंड टैली एंड जीएसटी। तो ये कैसा सर्च होगा, अकाउंट्स, टैली और जीएसटी तीनों चीजें होंगी तभी रेज्यूम्स ओपन होंगे, वरना रेज्यूम ओपन नहीं होंगे। तो आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो रेज्यूम ओपन हुआ है इसमें अकाउंट्स भी है, जीएसटी भी है और टैली भी है। तो आप जितने रेज्यूम्स यहाँ पे देखेंगे सब में वैसा ही होगा। अब मैं एक और का बता देता हूँ, और को आपको कैसे पुट अप करना है। तो यहाँ पे जैसे एंड है, इसकी जगह पे हम और डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो ये तीनों कीवर्ड्स हो या तीनों में से कोई दो हो या एक हो कोई भी कीवर्ड, तो वो रेज्यूम ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तीनों कीवर्ड्स देखेगा फिर दो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये तीनों कीवर्ड्स हैं, ये ओपन हुआ है। लेकिन आप आगे जाते जाएंगे तो कोई कोई रेज्यूम दो कीवर्ड से मैच होंगे या एक कीवर्ड से मैच होगा, वो रेज्यूम्स भी ओपन हो जाएंगे। फिर अब हम नॉट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे अकाउंट चाहिए, टैली चाहिए पर जीएसटी नहीं चाहिए, तो मैं इसके आगे डाल देता हूँ नॉट। ओके, और सर्च करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो रेज्यूम ओपन हुआ है इसमें टैली है जो हमने डाला था, अकाउंट्स है, लेकिन जीएसटी डाला था तो आपको वो जीएसटी कहीं नहीं दिखेगा। तो ऐसे होता है एंड और नॉट का यूज। अब मैं आपको थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स सर्च करके बताता हूं। तो इसका कैसा है, सबसे पहले सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब सॉरी, सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर, इन दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड हो। एंड सर्वे तो कंपलसरी होना चाहिए। और एंड नॉट बिलिंग, मतलब बिलिंग तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये वाला हो शायद, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक हो। और सर्वे तो कंपलसरी हो और बिलिंग नहीं हो। तो चलिए सर्च करते हैं।
तो देखिए इसमें साइट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, ये दोनों में से एक भी होता तो भी ओपन हो जाता। उसके बाद सर्वे है और उसके बाद बिलिंग नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर भी बिलिंग नहीं लिखा है। एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोच आपको करके बताता हूँ। जैसे सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर एंड सर्वे और बिलिंग, यहाँ पे आप और डाल सकते हैं। तो कैसा है, इसमें सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर हो एंड सर्वे और बिलिंग हो, तो ये अगर आप बूलियन ऑफ करेंगे जो तीन ऑप्शंस आते हैं उसमें आप ऐसी सर्च करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसा हो कि इन दोनों में से एक कीवर्ड हो और इन दोनों में से कोई या कोई एक कीवर्ड हो। तो ऐसा सर्च आप सिर्फ बूलियन में कर पाएंगे। बूलियन सर्च जो है मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बूलियन सर्च करनी है तो आप टर्न बूलियन ऑन करिए। मेरा जो है इन तीनों से ही काम हो जाता है, एनी कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स, एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स और बाकी के ऑप्शन से मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सर्च करनी है तो आप टर्न बूलियन ऑन करके naukri.com पे रेजडेक्स पे सर्च कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया हो कि naukri.com पर बूलियन सर्च कैसे होती है। अगर आपको आपकी कंपनी के लिए हायरिंग करवानी है या रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग चाहिए तो आप ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।